तो कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। अभी हमारा तुंगनाथ का ट्रिप ख़त्म हुआ है, उसका ब्लॉग वीडियो में है और हम अभी निकले हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश जाते हुए हमें ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। सनराइज देखोगे बहुत अच्छे। आप भी देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए। अभी हम कुछ दूर ही बढ़े थे। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर पहले ही हमारे लिए मुश्किलों का सामना शुरू हो गया। पहला मुश्किल ये रहा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लैंडस्लाइड रात में हुई थी। हमें लगा कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल था यहाँ से निकलना। ये दूसरे मलबे अभी आगे और है भाई, आगे आगे चलते हैं। हम लोग बड़े मेहनती हैं, आज हम लोग खतरों से खेल रहे हैं। प्रो के खिलाड़ी के सीजन वन में हम आ चुके हैं ना। मुत्तचे लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो पत्थर गिरेगा। खुदा होगा नहीं, मैं पत्थर गिरेगा। कोई रोक सके तो रोक के दिखाया मैं। ऐसा ना बोल भाई, अब वापस चले जाओ। राउंड फोर कंप्लीट, राउंड फाइव स्टार्टेड राइट नाउ। दिस इज द रोड, ये हमारे लैप है, दोनों ही पार करते हैं लेवल। तो वैसे भी कैसे टूटे हैं। एंड हियर आई लाइक आवर लाइक इन डेंजर प्लीज। यहां पे आप बिल्कुल ये कह सकते हैं नजर घटी, दुर्घटना घटी। हां वो क्या करता भाई, प्लीज डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन द रोड प्लीज ब्रो। मुश्किलों को पार करके हम निकले थे, तब तक हमें ये बोर्ड दिखा, थैंक फॉर द विजिट। हमें लगा कि ये लैंडस्लाइड गिरने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। फिर हमने यहाँ रास्ते में कुछ लोगों से मिलके पूछा कि आगे कुछ गड़बड़ है क्या, हमें लगा ऐसा। अभी तो पूरा पहाड़ी है, ये तो पूरा पहाड़ी है। बाइक कैसे लेंगे, उठानी पड़ेगी बाइक। सो हवा नेक्स्ट लेवल इज हियर राइट नाउ, और ये लेवल है नेक्स्ट, ये पूरा मलबा है। लेट्स सी बुलडोजर इज चलिंग राइट नाउ एंड मलबा इज कमिंग फ्रॉम टॉप। कम हियर, वी विल। पानी देख, अरे तार, कौन सा तार आ रहा है, अरे तार। हम मलबे के ऊपर हैं, लोग खड़े वहाँ उधर। आईटीबी भी यहाँ पे बुलडोजर की छटाई चल रही है। ये खतरों का कौन सा लैप चल रहा है, खतरों का खिलाड़ी कौन सा लेने वाला है इधर का। ये हमारा 12वां 13वां खतरा है। वो देख भाई, हाँ गाइस, फाइनली हम लोग ये लेवल हार चुके हैं। ये वाला आप लेवल देख रहे हैं, ये हार चुके हैं। अब हम लोग मसूरी प्लान कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते प्लान कैंसिल तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, जर्नी बाकी रही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये सड़क हमारे बाप की है और हम इस सड़क पर सोए हुए हैं, और मैं सूरज, और इत्तेफाक से हम तीनों का बाप एक ही है। प्राकृतिक प्राकृतिक बाप प्राकृतिक का बाप है। लेफ्ट साइड से परेशान लोग।
हम यहाँ बैठ के हुए हैं, आगे बुलडोजर सफाई चल रही है, बच्चों को वापस बुलाया जा रहा है, पीछे हमारे बहुत सारी भीड़ है, पूरा पहाड़ नीचे आ गया है जमीन पे। फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच ही गए और ये हम इस समय जानकी झूले पे चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए हम किसी तरीके से ऋषिकेश पहुंचे। फिर हमने वहां पे रूम लिया और हम आराम करने लग गए। कुछ देर आराम करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम ऋषिकेश में थोड़ा घूमेंगे, जैसे कि यहाँ के राम झूले, जानकी झूला और लक्ष्मण झूला के बारे में बहुत सुना था। तो हम सबसे पहले रूम से निकले, कुछ खाए पिए और हम निकल दिए सबसे पहले जानकी झूले। बहुत महंगी ट्रिप पड़ी है, अभी अभी चालान कटा के आ रहे हैं, ये इस हफ्ते का दूसरा चालान है, अभी और आगे जाना है, अभी देखते हैं कितने चालान कटते हैं। हमारा कोई प्लान ट्रिप नहीं था ये जो हम आए हैं, ये अनप्लान अनएक्सपेक्टेड, एक ही दिन में दो जगह जाना बिना सोए बिना खाए, इट्स अ टफ जॉब। हमारा जॉब ही तो है घूमना, हमारा जॉब है जैसा आप सभी जानते ही हैं। गंदी गंदी बातें करते हैं लोग। आप देख रहे हैं हम लोग इस समय रामझूला पे और ये हमारे सहपाठी और रूममेट और इनका एक काम है जॉब का, ये बहुत बड़ा जॉब करते हैं। क्या जॉब है भैया आपका? घूमना 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 जॉब है इनका, ये देख रहे हैं आप। जॉब तो अगले महीने से आएगी, अभी घूमना है। ओनली 6,000 यू नो ना, दैट्स अ फैक्ट। चलते रहिए इसे हमारे साथ आप और बने। जानकी झूला और राम झूला झूलने के बाद हमें पता चला लक्ष्मण झूला तो बंद है। यह है नाइट व्यू ऑफ ऋषिकेश, जानकी झूला एंड देयर इज राम झूला। इस मिर्ची की कीमत इतनी नहीं होगी जितना तुझे दे रहे हैं। आज खतरों के खिलाड़ी बन जा भाई। यहाँ ये हार गए। यहाँ हम होटल ले चुके हैं
आज रात हम यही विश्राम करेंगे, कल सुबह देहरादून की तरफ, फिर वहां से मसूरी। थका देने वाला दिन। मैं तो चला सुनी भाई, एकदम हालत खराब, थक गए हम लोग।